नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज जो है वो पटना पहुंचे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि जेडीयू के कार्यकारी परिषद की बैठक जो है वो 29 अगस्त को होनी है, उसको लेकर के भी आरसीपी सिंह पटना पहुंचे हैं। पटना पहुँचते ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा है कि जो खबर इस वक्त मीडिया में चल रही है जातीय जनगणना को लेकर, उसको लेकर के जेडीयू और भाजपा के बीच किसी तरह की कोई तलखी नहीं है, सब कुछ ठीक है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के सवाल से आरसीपी सिंह बचते नजर आए। साफ तौर पर क्या कुछ कहा है पटना पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, हम आपको सुनवाते हैं। परसों है राष्ट्रीय परिषद की बैठक, स्टील प्लांट का लगातार सर्वे कर रहे हैं, किस तरह से बिहार? अरे सर्वे नहीं कर रहे, घूम रहे। देखिए, जो हमारा अभी कलकत्ता में हमारा एक MSTC कॉरपोरेशन है, तो उसका नया भवन बना था, तो उसका हमको उद्घाटन करना था, तो उसका हम लोगों ने कल उद्घाटन किया। और वहीं आप जानते हैं दुर्गापुर हमारा स्टील प्लांट है, तो उसका भी हम लोगों ने जा कर के जो भी प्लांट है उसके बारे में समझा, उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया। जितने हमारे वहाँ पदाधिकारी हैं, जितने हमारे कर्मचारी हैं, सब लोगों से बातचीत किया। सर, बीजेपी के कई मंत्री धीरे धीरे अब जो है फेस करने लगे हैं जातिगत जनगणना को लेकर, और कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। ऐसा है ना, देखो इस पर तो बहुत ही स्पष्टता के साथ बात आ चुकी है, तो रोज रोज उसको कहने क्या चीज़ है। अच्छा, लगता है कि मतलब आप लोगों ने जिस तरीके से ठाना है NDA में सब कुछ? अरे मतलब नहीं, देखो ये एक बार नहीं, मैंने कई बार आपको कहा है कि NDA में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। देखिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उस पर अलग अलग लोगों की राय होती है, लेकिन जहाँ तक NDA का सवाल है तो केंद्र में हम लोग साथ में हैं, राज्य में साथ में हैं, और मैंने कहा है कि NDA की सरकार बिहार में 2025 तक बिल्कुल बहुत मजबूती के साथ चलेगी, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि बिहार की जनता ने वोट दिया है बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के। बाकी ये मुद्दे चलते रहते। बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि जदयू में 3 ग्रुप हो चुके हैं। अच्छा ऐसा है ना, आप लोग ये जो चलाते रहते, बीजेपी में और JDU में क्या है, हमारे यहाँ तो एक नेता है। देखो गुट कब होता है, जहाँ कई नेता होते हैं। अरे पहले आप सुन तो लो यार, ज़्यादा काबिल मत बनिए। हमारे यहाँ एक नेता है नीतीश बाबू, तो गुट कहाँ से होगा जी? नेता एक होते हैं, और नेता एक है तो गुट कहाँ है? जनता दल का नाम क्या है? जनता दल यूनाइटेड, कोई गुटबाजी। उपेंद्र कुशवाहा को सोने का मुकुट पहनाया गया, उसके बाद कहा जा रहा है।